धन्यवाद भाई नाविद जी, और धन्यवाद जो भी जुड़े हैं और देख रहे हैं। मैं उन्हीं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में देश में एक ऐसा लीडर मिल गया जो अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ मुखर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। ऐसा नाम है माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने लोहियावादी, अंबेडकरवादी, चौधरी चरण सिंहवादी और समाजवादियों को इकट्ठा करके एक ऐसी सरकार जो सत्ता के नशे में चूर है, जिनको इतना घमंड है, उस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया है, और उस सरकार का सत्ता का नशा चकनाचूर करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और वो सरकार, जिस सरकार ने झूठे वादे किए, झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी, जहां पे सब कुछ झूठ बोला जाता है, ऊपर से नीचे तक झूठ बोला जाता है, कोरे आंकड़े दिए जाते हैं, आंकड़ों में अस्पताल बनवाए जाते हैं, आंकड़ों में नौकरी दी जाती है, कागज पे झूठ बोला जाता है। अब इंतहा तो तब हो गई जब योगी आदित्यनाथ अपने को संत कहते हैं, और जब सदन में पूछा जाता है विधान परिषद में कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई, तो लिख के भेजा जाता है, सरकार लिख के देती है, एक भी मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इसलिए आज चुनाव है, और चुनाव में बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही, वर्चुअल रैली चल रही है, और मैंने तो पूरे पूरब से लेकर पश्चिम तक घूमा है। जितना अच्छा माहौल वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में है, इससे अच्छा माहौल कभी मैंने नहीं देखा था, पूरब से पश्चिम तक। और जिस तरीके से आज बजट आया है केंद्र की सरकार का, बजट तो एक छलावा है, बजट में कुछ नहीं है। दूसरी बार केंद्र की सरकार बनी, बजट में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों पर चलते हुए दाम माधो नीति के तहत ही उन्होंने घोषणा की है, और प्रारंभ भी जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शुरुआत भी की थी कि गरीबों को 10 रुपए में भोजन मिले, और इस बार तो उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी, सभी गरीबों को 10 रुपए में भरपेट समाजवादी थाली देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया। और यही नहीं, बिजली 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली देने का काम किया है, वादा किया है। सरकार ने बंद कर दिया है उसको, अब 18,000 रुपए साल देने का काम करेंगे, 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये है मदद, ये है संवेदनशीलता। इन्होंने तो घरों में रखे जो हमारी माताएं बहनें पैसा रखती थी अपने बच्चों के लिए, अपने बीमार होने पे या लड़की की दवा उसके लिए, शादी ब्याह बारात के लिए, नोटबंदी के दौरान तो निकलवा लिया, क्या उसके बाद में कभी सोचा कि उनकी पैसे हैं कि नहीं है? और जो बैंकों में पैसा जमा हुआ उसको किसी से छुपा नहीं है। ये काला धन लाने की बात करते थे, एक नंबर का गांव गरीब किसान का पैसा जो बैंकों में काले नोटबंदी के दरमियान जमा कराया गया, वो भी पैसा लेके विदेशों में लोग चले गए। और जिस तरीके से सिंचाई मुक्त का वादा किया है, सिंचाई मुक्त, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने तो किसानों का 5 लाख का बीमा भी कर दिया था, वही तो बीमा चल रहा है। इन्होंने तो कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या 10 लाख का बीमा कर दिया आपने? नहीं किया।
किसानों को तो कुचलने का काम किया है, किसानों को तो जिस तरीके से कुचलने का काम किया है सभी के छुपा नहीं है। किसानों को लखीमपुर में किस तरीके से दर्दनाक तरीके से गृह मंत्री के कोई नहीं गृह मंत्री के बेटे ने, पहले गृह मंत्री ने धमकी दी, उसके बाद में किसानों को कुचलने का काम जीप से हुआ है। ऐसा अंग्रेजों की भी सरकार में नहीं होता था। एक रमन कश्यप पत्रकार था, उसकी भी हत्या करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनका स्मारक भी बनाया जाएगा और 25-25 लाख रुपए भी देने का काम किया जाएगा। यह है समाजवादी। हमें पता है, कोरोना काल में भी देखा है, कोरोना काल में जब कोई मदद के लिए नहीं आया था तब माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने श्रमिक उत्तर प्रदेश में पैदल चलते हुए मौत हो गई थी उनको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। 3 लोगों के यहां मैं स्वयं गया था हरदोई जनपद में, 3 लोगों के यहां चेक देके माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया था। कहां चली गई बीजेपी की सरकार जो श्रमिकों की बात करती है, कहां चली गई? वे श्रमिक पैदल चल रहे थे, रास्ते में ना खाने को था, किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, कितने बच्चे कितने ने अपने को रास्ते में छोड़ दिया भूखे प्यासे। किसी का माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का बच्चे को लोग अपने माँ सीने से लगा के चलती रही कि हो सकता जीवित हो जाएगा। लेकिन ये दर्दनाक मंजर ये लोग नहीं महसूस करेंगे जिनके परिवार नहीं है। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि राजा उसको होना चाहिए जिसके परिवार हो। जो परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता। इनको नहीं दर्द है कि कितने माँ बाप बच्चे रास्ते में पैदल चल रहे थे। माननीय एक संवेदनशील व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने मदद करने का काम किया। एक बच्ची थी जो नो मैन्स लैंड पे श्रमिक थी, महिला, उसकी बच्ची हो गई, उसकी डिलीवरी हो गई, उसकी भी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे स्वयं भेजा। मैं गया वहां बलहा में मदद करके या बहराइच में करने का काम किया। यह है माननीय अखिलेश यादव जी की संवेदनशीलता। और ये लोग ये तो केवल जातियों में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, गोत्र में बांटेंगे। आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए तो पति पत्नी में भी बांटने का काम ये लोग करते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।